हेलो एवरीवन, ये हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिविटी, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, और हमारा लास्ट में होगा ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ने के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। थोड़ा बहुत हमको समझना पड़ेगा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप को समझने के लिए हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में एक पार्ट है जिसको कि हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और पिछले वीडियो में अगर बात करें हम लोग, तो पिछले वीडियो में लास्ट तक हम लोग कहाँ पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, तो उसमें ये था कि किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो चार टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे। पहला था मटेरियल ऑफ द रजिस्टर, और दूसरा नंबर पे हमारा क्या था, लेंथ, लेंथ के साथ भी डिपेंडेंट था। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसे हम लिख देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और फोर्थ था वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर अगर वैली करेगा तो उससे भी हमारा रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है, यानी कि किसी भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। अगर किसी भी चीज़ के रेजिस्टर को हमें मेजर करना है तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही करते हैं। अगर टेम्परेचर वैरी कर जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी वैरी कर जाएगा। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर भी काफ़ी रोल प्ले करता है उसके रेजिस्टेंस में। ठीक है, अब इन तीनों के साथ कैसे कैसे रिलेशन है वो हम बताए थे। मटेरियल के बारे में नहीं डिस्कस किए थे क्योंकि हम रेजिस्टिविटी बताएंगे तो उसमें ही मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, लेंथ के साथ जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था कि नहीं, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के साथ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे थे तो टेम्परेचर से क्या अफेक्ट पड़ता है इस क्लास में वो नहीं पड़ेंगे, बस ये हम लोग जान रहे हैं कि अफेक्ट होता है, लेकिन कैसे अफेक्ट होता है तो टेम्परेचर से रिलेटेड हम लोग इक्वेशन इसमें नहीं बनाएंगे, ये 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो टेम्परेचर को अभी हम हटा रहे हैं। ठीक है, मेनली हम लोग इसमें तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर हमें आता है लिखने के लिए कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है तो वहाँ हमको टेम्परेचर लिखना है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में हम लोग टेम्परेचर को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग मान के चलेंगे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रह रहा है। अगर कांस्टेंट है तो फिर अगर चेंज ही नहीं कर रहा तो फिर टेम्परेचर वाली बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज हो गया, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, अब यहां इक्वल करने के लिए एक आता है कांस्टेंट, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का, हमारा दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, पहला क्या था, वी इज इक्वल टू आई आर। अगर हमें करंट मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, ना करंट ना वोल्टेज की हमें जरूरत है। ठीक है, यहां पर अगर हमें लेंथ मालूम है, रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, रेजिस्टिविटी गिवेन है और क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम है, तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम मिटा रहे हैं ऊपर वाला, फिर इसको हम लिख रहे हैं। हमारा लास्ट इक्वेशन क्या आया था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और इसके बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, देखिए, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या कोई एक ऐसा डिवाइस था, जैसे कि करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर होता है, लेकिन क्या रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस है, नहीं, रेजिस्टेंस मेजर करने का कोई डिवाइस नहीं होता। बस सिंपली हम करते क्या है, किसी भी जिसका भी हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है, हम क्या करते हैं, उसके थ्रू करंट को पास कराया जाता है। ठीक है, करंट को, यानी कि बैटरी अप्लाई करेंगे तो इसके थ्रू करंट पास करेगा। ठीक है, तो करंट कितना पास कर रहा है इसे मेजर कर लेते हैं, और कितना वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, उसके बाद V इज इक्वल टू आई आर से हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट करने के बाद हमें R का वैल्यू मिल जाता है।
ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस को पता करने के लिए कोई दूसरा डिवाइस नहीं होता है। करंट को और वोल्ट मीटर को यूज करके, यानी कि करंट के लिए एमीटर और वोल्ट मीटर को यूज करके हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब उसी तरह से एमीटर क्या है एक्चुअल में? एमीटर जो होता है हमारा करंट मेजर करता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है। इसको हम जब सीरीज और पैरेलल बता लेंगे तब उसके बाद शायद नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, अब यहां समझते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी के लिए देखिए, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे शेप चेंज होता है, लेंथ चेंज होता है, वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। लेकिन रेजिस्टिविटी के लिए कहा जाता है कि वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी कि जब तक हम मटेरियल पूरी तरीके से बदल ना दे तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा, यानी कि वो उसका प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के लिए अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी सब जानता होगा डेंसिटी क्या होता है। अगर लोहे का इतना छोटा टुकड़ा ले या फिर इतना बड़ा टुकड़ा ले, उसका डेंसिटी सेम होता है, मास डिफरेंट हो सकता है। उसी तरह से अगर हम यहां कंपेयर करें तो मास के जैसा कौन दिख रहा है यहां पर? रेजिस्टेंस। और उसके डेंसिटी की तरह कौन दिख रहा है यहां पर? उसका रेजिस्टिविटी, यानी कि छोटा टुकड़ा ले या फिर बड़ा टुकड़ा ले। उसी तरह से छोटा टुकड़ा लिए बड़ा टुकड़ा ले उसका क्या होता है? डेंसिटी चेंज नहीं करता है। उसी तरह से रेजिस्टिविटी भी होता है। हम किसी भी एल्युमिनियम का वायर ले या फिर कॉपर का वायर ले, उसको हम पतला करें, क्रॉस सेक्शन एरिया को दो गुना करें, लेंथ को दो गुना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा चीज़ है रेजिस्टिविटी? अब समझते हैं। अब क्या किया गया, किसी भी दो चीज़ को कंपेयर करने के लिए कि किसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, या फिर कह सकते हैं रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस कम है, उसके हिसाब से वो सब सारे मटेरियल्स को हम किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर जिसका रेजिस्टेंस जो है काफी कम होगा, यानी कि करंट को वो आसानी से पास करने देगा, हमारी बात ना, करंट को आसानी से पास करने दे, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको किस तरह यूज करेंगे? कंडक्टर के तौर पर यूज करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहां पर हमको चाहिए आसानी से पास हो। ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो करने नहीं देगा, तो उसके थ्रू करंट नहीं पास करेगा। ठीक है, तब उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं? इंसुलेटर, यानी कि पूरी तरीके से वो रोक देता है, उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में रेजिस्टिविटी क्या है ना, कि हमें कंपेयर करने के लिए आसान कर देता है, मटेरियल के बीच में कंपेयर करने के लिए आसान कर देता है। ठीक है, तो क्या हम रेजिस्टेंस से कंपेयर नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक बात आती है कि अगर हम कोई सेम वायर लेते हैं, कॉपर का वायर लेते हैं, ठीक है, इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को दो गुना कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा था? घट रहा था ना। अभी हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़े थे कि उसका अगर क्रॉस, किसी भी वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। सही हमारी बात को ना, और अगर उसका हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि है तो कॉपर ही, तो फिर कॉपर का पहचान क्या है कि हम इसको हम किसी एक चीज से हम जाने कि इसका इतना क्या ये इसका प्रॉपर्टी है? समझ रहे हैं ना, ये इसका प्रॉपर्टी कैसे हम जाने? इसका शेप और साइज चेंज होने से अगर कोई चीज चेंज हो रहा है तो वो इस मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर इसका ऐसा चीज बना दिए प्लास्टिक का तो एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, अगर हम प्लास्टिक का कोई और चीज बना देते हैं तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन है तो दोनों प्लास्टिक ही ना। तो मटेरियल के बेसिस पे जो प्रॉपर्टी कैरी करता है वहां से हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे समझते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। अगर हमको कोई दो चीज को कंपेयर करना है तो हम चाहते हैं कि दोनों को सेम कंडीशन में लाया जाए। यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से चेंज होता है तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर ही लेंगे जिसका कि शेप को हम किसी पर्टिकुलर फॉर्म में रखेंगे हम। ठीक है, यानी कि एक क्यूब के फॉर्म में रखते हैं, जिसका कि लेंथ ब्रेथ हाइट सबको हम क्या लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं। यानी कि इसका लेंथ भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर करंट इधर से पास करेगा, इधर से अगर करंट पास करता है इधर की तरफ, तो इस करंट के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर हो रहा है, सॉरी लेंथ 1 मीटर हो रहा है, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ हो रहा है 1 मीटर। अब ये मान लेते हैं कि अगर ये एल्यूमिनियम है और दूसरी तरफ हम एक और लेते हैं इसी शेप का, ठीक है, ये हो जाता है कॉपर। ठीक है, इसका भी क्या होना चाहिए, इसका भी हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और लेंथ हमारा
वन मीटर होना चाहिए, ठीक है, तो यानी कि वन मीटर, ये भी वन मीटर, वन मीटर। अब क्या है, अब दोनों के साथ फेयर कंडीशन है। फेयर कंडीशन किस लिए कह रहे हैं हम, क्योंकि अगर कॉपर भले ही अच्छा कंडक्शन करता है, हम क्या करेंगे अगर इसके लेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हम बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियस बात है इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और एल्यूमिनियम उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, इसका लेंथ को घटा के और क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे। तो यानी कि इसके साथ वो हम सारा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस घटे, और इसके साथ वो हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़े। तब उस केस में हम कह सकते हैं कि कॉपर खराब कंडक्टर है एल्यूमिनियम से, लेकिन असलियत हम सबको मालूम है कि कॉपर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। अगर सिल्वर की बात करें, यानी कि सिल्वर सबसे अच्छा होता है, उसके बाद कॉपर की बात बारी आती है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें कंपेयर करना है तो दोनों को एकदम एक कंडीशन में रखना होगा कि अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अगर इसका लेंथ 1 मीटर लेते हैं तो इसका भी लेंथ 1 मीटर लेंगे। इस केस में, इस कंडीशन में इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वही इसका रेजिस्टिविटी होगा। सही मारी बात, रेजिस्टिविटी कोई अलग चीज नहीं, वो भी एक रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन एक पर्टिकुलर शेप में, और उस वो पर्टिकुलर शेप क्या है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और इसका लेंथ जो है 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके हमको डिफिनेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेरियल इज resistance of a conductor conductor of unit cross section area and unit length, ठीक है। यानी कि रेजिस्टिविटी कुछ अलग चीज नहीं है, वो रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं किसी भी शेप में एक एल्यूमिनियम है, एक कॉपर है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम जो है प्लेट के फॉर्म में है, कॉपर वायर के फॉर्म में है। अब हम कहेंगे कि इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी वो किसी भी शेप में रहे रेजिस्टिविटी वही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमको रेजिस्टिविटी उसका पता करना है, वापस से फिर हमको किसी भी शेप में हो उसको मोल्ड करके इस शेप में लाना पड़ेगा। फिर अगर इस शेप में आ रहा है दोबारा से, तो इस शेप का रेजिस्टेंस तो हमेशा वही रहने वाला है ना, भले ही हम उसको मोल्ड करके किसी फॉर्म में किए हुए हैं, लेकिन अगर उसका रेजिस्टिविटी पता करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको मोल्ड करेंगे, फिर इस शेप में लाएंगे, फिर इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका रेजिस्टिविटी होगा। तो फिर कहां से रेजिस्टिविटी चेंज हो सकता है? इससे हमको समझ में आ रही है कि जब यही कंडीशन है तो रेजिस्टिविटी हमारा कभी चेंज नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यानी कि सेम मटेरियल का अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाया गया है तो सबका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, ठीक है। इसे मिटाते हैं हम। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। इसे हम देखिए, किसी भी चीज का यूनिट अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, उसको एक तरफ रहने देंगे, बाकी सबको एक तरफ लेकर चले जाएंगे। जैसे हमको स्पीड की अगर यूनिट की बात करें, तो स्पीड का यूनिट ऐसे ही थोड़े ना आ गया, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आ, उसके पीछे का एक कारण है कि जो स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस को अगर ऐसा यूनिट में रखना है तो हम मीटर रखेंगे और टाइम हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अगर इसे हम किलोमीटर में रखना चाहते हैं और टाइम को आर में रखना चाहते हैं तो किलोमीटर पर आर। उसके पीछे कारण है ना कि ऊपर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, नीचे टाइम है तो इसका यूनिट सेकेंड होता है। तो उसी तरह से अगर हमें रो का पता करना है तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, ए आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, आर इंटू ए और एल आके नीचे डिवाइड होगा। तो रेजिस्टेंस का होता है ओम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और नीचे लेंथ होता है मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा हम सीरीज के साथ साथ अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी दिखाएंगे, ताकि एक जगह दोनों होगा तो दोनों में एकदम डिफरेंस अच्छे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीरीज हम एक ड्रॉ करते हैं, अभी ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जो है ना, एक दिखाने का बस तरीका है, ये सब रेजिस्टेंस के जगह पे, ये सब रेजिस्टेंस की जगह पे हमारा कोई भी डिवाइस हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कोई चार्जर हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम उस सबको बस ऐसे ही रेजिस्टेंस से दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और दूसरा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है कि तीन तीन ही रेजिस्टेंस होता है, तीन तीन ही रेजिस्टेंस होता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन बस आइडियली हम लोग समझने के लिए तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। कितने भी रेजिस्टेंस पे काम कर सकते हैं आप, कितने भी, क्या इसका मतलब एक नहीं, अकेला एक रेजिस्टेंस ना सीरीज हो सकता है ना पैरेलल हो सकता है, ठीक है। एक्चुअल में अकेले कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो ही नहीं पाएगा, तो फिर उसको सीरीज पैरेलल क्या कह सकते हैं, दो होना चाहिए या फिर दो से ज्यादा होना चाहिए। तो इसे हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में क्या होता है कि यहां से, यानी कि इस डिवाइस कहें या फिर रेजिस्टेंस कहें, इसके थ्रू जो चार्ज पास करता है, यानी कि करंट पास करता है, वही इसके थ्रू भी जाता है, वही इसके थ्रू भी जाता है, यानी कि हर जगह करंट क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां के साथ क्या है कि यहां से इसको बैटरी से कनेक्शन इंडिपेंडेंटली मिल रहा है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि इसके थ्रू कितना करंट पास करेगा वो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसके थ्रू कितना पास करता है वो भी इस पे डिपेंड नहीं करता है, और इसके थ्रू कितना पास करता है इन दोनों पे भी कोई डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस के थ्रू अलग अलग करंट हो सकता है। देखिए, कोई कहता है कि अलग अलग करंट होता है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा अलग अलग होगा, क्योंकि अगर तीनों रेजिस्टेंस को अगर हम बराबर कर दिए तो करंट भी सेम हो जाएगा, लेकिन अगर तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग हुआ तो करंट ऑब्वियसली बात है इसमें अलग अलग होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अगर तीनों रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, या फिर तीनों इक्वल है, दोनों ही केस में यहां से करंट क्या होता है, इक्वल ही पास करता है तीनों के थ्रू, ठीक है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, अब इसका एक टर्मिनल जहां कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल जहां से कनेक्टेड है उससे हमारा दूसरा रेजिस्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर यहां से हमारा ये दूसरा स्टार्ट होता है, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टर है ना, बैटरी के साथ डायरेक्टली यानी कि इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड नहीं है, यानी कि इसके थ्रू जो चार्ज आएगा वो इस रेजिस्टर के थ्रू होके आएगा, समझ रही बात को ना, और इसके थ्रू जो होके आएगा वो इसके इन दोनों के थ्रू होके आएगा, समझ रही बात। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है कि यहां से करंट आया और यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कुछ यहां जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, समझ में आ रही है बात। इसलिए इससे हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक और अगर अच्छा पहचानने का अगर तरीका बोला जाए, दो रजिस्टर, ठीक है, दो रजिस्टर, एक हम एक रजिस्टर यहां हम बना देते हैं और दूसरा रजिस्टर यहां बना देते हैं, ठीक है। यानी कि इस रजिस्टर का इधर वाला एंड जिससे कनेक्टेड होगा, ठीक है, इधर वाला एंड जिससे कनेक्टेड होगा, इस रजिस्टर का भी एक तरफ उसी एंड से कनेक्टेड होगा और दूसरा वाला दूसरे तरफ से कनेक्टेड होगा। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहचानने का तरीका, ठीक है। यानी कि किसी भी रजिस्टर का दो कम से कम टर्मिनल होगा ना, और दोनों टर्मिनल क्या होना चाहिए, इधर कॉमन होना चाहिए और इधर कॉमन होना चाहिए, तो इससे हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस केस में हमारा ये कॉमन नहीं है ना, देखिए ये रजिस्टर का ये एक एंड है, तो क्या इस रजिस्टर का ये वाला एंड यहां से कनेक्टेड है, नहीं। अगर इस वायर को अगर हम यहां से काट दें और इसको ले आकर यहां कनेक्ट कर दें और इसको ले आकर यहां कनेक्ट कर दें, ध्यान से देखिए, यहां से हम वायर को कट कर दिए हैं, यानी कि इस रजिस्टर का भी एक टर्मिनल यहां से कनेक्टेड है जहां कि इस रजिस्टर का ये टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है। और इस रजिस्टर का ये वाला एंड कहां कनेक्टेड, यहां कनेक्टेड है, और इस रजिस्टर का भी ये वाला एंड कहां कनेक्टेड है, इस जगह पर कनेक्टेड। तो अब ये दोनों क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा, समझ आ रही बात ना, इससे हम लोग बोलेंगे पैरेलल। अब ये दोनों तो पैरेलल हो गया, अब इन दोनों पैरेलल के साथ ये सीरीज कहलाएगा, इन दोनों पैरेलल के रिस्पेक्ट में ये सीरीज कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के थ्रू जो चार्ज या करंट पास करेगा वो इसके थ्रू पास करेगा। होप ये समझ में आ गया होगा सीरीज और पैरेलल क्या कहलाता है, ठीक है। अब हम पर्टिकुलरली केवल हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज, उसके बाद हम पैरेलल के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन हम यहां बना देते हैं।
ठीक है, तीन रेजिस्टेंस आइडियली हम लोग लेके चलते हैं, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा और तीसरा। यहाँ एक बैटरी कनेक्ट हो जाएगा, इसे हम लोग आर वन कह देंगे, आर टू, आर थ्री। ठीक है, अब ऐसा लिखने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा हमारा रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट ही होगा, हो सकता है सेम भी हो, लेकिन हम डिफरेंट वाला लेके चलते हैं, क्योंकि जो अगर तीनों सेम हुआ तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तभी हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसी के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमको स्टार्ट करना है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि तीनों के थ्रू करंट सेम जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पाइप के थ्रू पानी यहां से पास कर रहा है। ठीक है, पाइप के थ्रू पानी पास कर रहा है, यहां हम एक स्टॉपर लगा देते हैं, जैसे कि यहां होता है ना कि हम इसको बंद कर देंगे तो यहां से वाटर फ्लो नहीं करेगा, तो वो एक तरह से क्या कर रहा है, पानी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी कि पानी को फ्लो करने से रोक रहा है। ठीक है, तो एक यहां हम स्टॉपर लगा देते हैं ऐसे करके कुछ। ठीक है, ये ऐसे हो गया और दूसरा वाला कुछ ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको वाल्व को बंद करेगा। अब होता क्या है कि यहां से जब वाटर इंटर कर रहा है, ठीक है, वाटर यहां से इंटर कर रहा है, एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 3 लीटर, 3 लीटर पर सेकंड, 3 लीटर पर सेकंड इंटर कर रहा है, तो हर जगह के थ्रू 3 लीटर पर सेकंड ही पास करेगा, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि यहां पर 3 लीटर पर सेकंड यहां इंटर कर रहा है और यहां से कुछ और आए। ठीक है, यहां से जितना इंटर करेगा उतना ही यहां से बाहर निकलेगा, यानी कि 3 लीटर पर सेकंड ही वाटर बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, अब कोई कहता है कि यहां पर करंट ज्यादा होगा, यानी कि जहां पर नैरो है, जहां नैरो है वहां पर करंट ज्यादा होगा, जहां वाइड है वहां पर करंट कम होगा। देखिए, वाटर के अगर स्पेस कम मिलता है तो वो तेजी से निकलता है, ठीक है, तेजी से निकलता है, और जहां पर रास्ता उसको चौड़ा मिलता है वहां पर वाटर धीरे धीरे निकलता है, लेकिन उसके स्पीड से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको है नंबर, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर कितने देर में जा रहा है, टाइम से रिलेटेड हमको अमाउंट और टाइम, ना कि उसके स्पीड से हमको रिलेशन है कोई। ठीक है, तो स्पीड से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस हमको अमाउंट, लीटर कितना है ये अमाउंट है, इतना अमाउंट ऑफ वाटर एक सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहां से कभी ऐसा संभव है कि यहां से 3 लीटर पर सेकेंड इंटर किया और यहां पर कुछ और वाटर का, यानी कि यहां हो गया 4 लीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहां पहुंचते पहुंचते 5 लीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि अगर यहां से इतना इंटर कर रहा है तो यहां पर एक 3 लीटर हर सेकेंड इंटर कर रहा है, तो यहां पर हर सेकेंड 4 लीटर कहां से आ जा रहा है, यानी कि 1 लीटर एक्स्ट्रा वाटर कहां से आ जा रहा है, समझ आ रही बात को ना, यानी कि जितना यहां से इंटर करेगा उतना ही इधर भी फ्लो करेगा, और कम भी नहीं हो सकता है और ज्यादा भी नहीं हो सकता है, समझ आ रही बात को ना, कम भी नहीं हो सकता है, ज्यादा भी नहीं हो सकता। अब हम कहेंगे कि यहां से 3 लीटर इंटर करेगा और यहां से 2 लीटर बाहर निकलेगा, 2 लीटर पर सेकंड बाहर निकलेगा, ये भी संभव नहीं है। अब ये कहा जा सकता है कि हाँ, इसको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे तो यहां से उतनी तेजी से पानी नहीं आएगा, अगर इसको हम बंद करेंगे तो अगर यहां से तेजी से पानी नहीं आएगा तो इधर से भी इसको अलाउ नहीं करेगा 3 लीटर पर सेकंड आने के लिए, समझ आ रही बात। अगर यहां से 2 लीटर निकलेगा ना तो इसको फोर्स करके पीछे की तरफ इसको रोकना चाहेगा और यहां से कोशिश करेगा कि यहां से भी इंटर करे 2 ही लीटर, क्योंकि अगर यहां से 3 लीटर पर सेकंड इंटर कर रहा है, ठीक है, और यहां से 2 निकल रहा है तो 1 लीटर फिर एक्चुअल में जा कहां रहा है कि नहीं बात। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान के चलना है वन वे रास्ता है, समझ आ रही है ना, वन वे रास्ता है, यानी कि मेरा स्पीड मेरे आगे आने आगे वाले पे भी डिपेंड करता है, उसके आगे वाले पे भी, उसके आगे वाले पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि एक रास्ता है, साइड से रास्ता जाने के लिए है नहीं। ठीक है, अगर आगे कोई गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो हम मेरा भी स्पीड स्लो हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन यही है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आगे वाले करंट को फ्लो करने से रोकता है तो पीछे वाला भी मजबूर है, इसके हिसाब से ही इसके थ्रू चार्ज पास करेगा, यानी कि तीनों के हिसाब से हम कह देंगे, तीनों के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि केवल एक पे डिपेंडेंट नहीं होता, तीनों पे डिपेंडेंट होता है, समझ आ गई बात ना। इसलिए हम कहते हैं कि करंट यहां भी आई, मतलब कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, हर जगह करंट वही रहेगा। ठीक है, जितना तीनों मिलके करंट को अलाउ करेगा उतना ही यहां से इंटर करेगा, वही उतना ही यहां से बाहर निकलेगा। क्लियर, इसलिए हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर जगह बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग तो इसको ऐड करने के लिए, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए, अब यहां बात आती है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कहता है कि अगर हम क्या करें, जैसे मान के चलते हैं कि कुछ भी रेजिस्टेंस हो, तो अगर इस सारे रेजिस्टेंस को तीनों को हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस हम रखें कि जितना करंट अभी फ्लो कर रहा है उतना ही करंट उस वक्त भी फ्लो, समझ आ रही बात को ना,
यानी कि अभी जितना करंट फ्लो कर रहा है वो किसके हिसाब से, V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से, ठीक है। यानी कि हम वोल्टेज लगा रहे हैं कुछ, I इतना जा रहा है तो इसका मतलब वहां से R हमें निकल जाएगा। समझी बात को ना, अगर I हमें मालूम है कि I इतना एम्पियर है, वोल्टेज इतना है, तो अगर रेजिस्टेंस ये सब तीनों के बराबर एक रेजिस्टेंस हमको लगाना है, तो अगर उससे कम या उससे अगर ज्यादा होता है तो करंट में वैरी आ जाएगा। समझी बात को ना, तो हमको ऐसा रेजिस्टेंस इन तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस रखना है कि जितना अभी करंट जा रहा है ना उतना ही करंट जाए, उससे हम लोग बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट यानी कि एक रेजिस्टेंस रखना है इन तीनों के बदले, अब चार हो पांच हो छह हो कितने भी हो, सबके बदले एक रेजिस्टेंस जो सबके बराबर इफेक्ट को प्रोड्यूस करे, इफेक्ट उतना ही इफेक्ट दे जितना तीन मिल के दे रहा था, उसे हम लोग बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तब इसका इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। अब यहां देखा जाए तो सबके थ्रू आई सेम है, ठीक है, सबके थ्रू आई सेम है, लेकिन वोल्टेज सबके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट है, यानी कि यहां वोल्टेज वी वन, यहां वोल्टेज ठीक है वी टू, और इसके थ्रू वी थ्री। इसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि सबके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। और सारे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जितना भी यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, अगर हम सबको ऐड करेंगे तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा, ठीक है। ये हो गया बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और इन तीनों के क्रॉस, ये केवल होता है सीरीज में, तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज है सबको ऐड करने पे इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर आता है। तो इसका इक्वेशन हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ठीक है। अब ये जो है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यहां लगाएंगे I और ये है R, ठीक है। अब ये R क्या है, यही है R इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कि ये R जो है, जो बैटरी को महसूस होता है कि इतना रेजिस्टेंस के थ्रू मेरे करेंट को पास करना पड़ रहा है, वो होता है असली टोटल रेजिस्टेंस। बैटरी को नहीं मालूम है कि तीन लगा है चार लगा है, वो देखता है ओवरऑल रेजिस्टेंस, ठीक है, कि हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है तब जाके इतना करंट पास कर रहा है। यानी कि वोल्टेज जो होता है ना, एक तरह का बैटरी का फोर्स है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेशर है। किस चीज का प्रेशर है, चार्ज को फ्लो कराने का। अगर उसे बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद भी अगर करंट कम फ्लो कर रहा है तो उसको क्या एहसास होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है। समझी बात को ना, तो उसको तीनों मिल के जो रेजिस्टेंस है ना उसको एक ही एहसास होगा। तो उसको कितना एहसास हो रहा था, V इज इक्वल टू आई आर, जितना रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है, यानी सॉरी वोल्टेज लगाने के बाद जितना करंट जा रहा है, और उतना करंट जाने पे हम कितना आई से मल्टीप्लाई करेंगे आर को कि हमारे वी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो वी वन है, तो वी वन अब इसके थ्रू जो करंट है सबके थ्रू तो आई है ना, सबके थ्रू आई है, ठीक है। तो हम यहाँ हम कैपिटल आई लेते हैं, तो आई आर वन, हम I1 नहीं लिखेंगे क्योंकि अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो I R1 यानी कि यहां से जो करंट जाएगा, यानी कि बैटरी से जो करंट पास कर रहा है वही सबके थ्रू पास कर रहा है, तो इसलिए बैटरी के लिए जो करंट लेंगे वो सारे रेजिस्टेंस के लिए भी वही करंट लेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है, ये सब में से हम I को कॉमन ले सकते हैं, तो I को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू, I कॉमन ले लिए तो बचा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। I और I हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यही R जो था वो हमारा R इक्विवेलेंट हुआ, तो हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यानी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई जितने भी रेजिस्टेंस दिया है, हम R3 तक खत्म नहीं करेंगे, उसके बाद डॉट 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 प्लस Rn तक कर सकते हैं, जितना भी रेजिस्टेंस आए उतना हम रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके बाद धीरे धीरे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमको क्लियर होगा कि हम V1 V2 V3 क्यों ले रहे हैं सबको अलग अलग, ठीक है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट जितने भी होंगे उसको निकालने के लिए बस एल्जेब्रिक सम कर देना है, ठीक है, डायरेक्टली एड कर देना है, वो टोटल हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ हम मान लेते हैं इसके थ्रू यहाँ वोल्टेज को हम 6 वोल्ट लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6 ओम 4 ओम और 2 ओम, ठीक है। तो अब आर इक्विवेलेंट तो हम लोग निकालने जान गए हैं, आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो टोटल को ऐड करेंगे 6 प्लस 4 प्लस 2, हमारा कितना हो रहा है 12, 12 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है।
तो हम बताए ही थे कि अगर बैटरी को हम यहां से कनेक्ट किए हैं तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा वो तीनों रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, V is equal to IR में केवल एक ही रेजिस्टेंस निकालने का जगह देता है, ठीक है, यानी कि V is equal to IR हम लगाते हैं, ठीक है, तो एक ही रेजिस्टेंस रख सकते हैं, केवल ये रख सकते हैं, मेरे पास V है और यहां पर रेजिस्टेंस है, तो I निकालेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन तीनों पे, इन दोनों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि एक रेजिस्टेंस आ जाए, तो उसी के लिए तो R इक्विवेलेंट निकाला जाता है। अब इस R इक्विवेलेंट को ही इस रेजिस्टेंस की जगह पर यूज करेंगे, ये क्या कहता है, ये तीनों रेजिस्टेंस के बदले एक रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल इफेक्ट जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब वहां से हमें करंट मिलेगा, तो वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट, करंट हमें पता करना है आई, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है 12, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/12 यानी कि 1/2 एम्पियर, करंट कितना हो रहा है 1/2 एम्पियर, यानी कि सबके थ्रू हमारा आ जाएगा 1/2, यानी कि इसको हम लिख देते हैं 0.5 एम्पियर, हर जगह 0.5 एम्पियर, हमको बार बार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी हम दिखा दे रहे हैं 0.5 एम्पियर, ठीक है, और इसके थ्रू भी सब करंट वही रहेगा, ठीक। अब आगे समझते हैं हम लोग कि यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग कैसे है, अगर इसके थ्रू करंट इतना जा रहा है और रेजिस्टेंस इतना है, इसके थ्रू वोल्टेज कितना दिखाएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे हम, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको यहां हम लिख देते हैं हमें करंट पता करना है I इज इक्वल टू V बाई आर, तो V 6 था, ठीक है, ये हो जा रहा 0.5 एम्पियर, ठीक है, ये करंट। अगर हमें V1 पता करना है तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर वन, ठीक है, वी वन इज इक्वल टू आई आर वन हो गया, ठीक है, तो आई हमारा 0.5 है यानी कि 1/2 है, रेजिस्टेंस कितना है 6 है, यहां पर हम करेंगे तो कितना आएगा 3 वोल्ट, ठीक है, इसके थ्रू आ गया 3 वोल्ट। अब हम निकालते हैं वी टू जो आया वो यहां भी करंट सेम रहेगा और करेंगे आर टू, ठीक है, तो करेंट 1/2 इंटू आर टू कितना है 4, यानी कि हो जाएगा 2 वोल्ट। यहां निकालते हैं V3, तो V3 के लिए वही करेंगे IR3, I है हमारा 1/2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, कट के हमारे पास बचेगा 1 वोल्ट। अब ऐड करना है 3+2 कितना होगा 5 और 5+1 6 वोल्ट, हम कहे थे, यानी कि तीनों के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल होगा सबको ऐड करने पे हमारा कितना होता है बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आता है, तो यहां पर आ ही गया, ठीक है, यानी कि इसमें जो वोल्ट मीटर लगा है यहां पर रीडिंग कितने का दिखाएगा 3 वोल्ट का दिखाएगा, यहां रीडिंग कितने का दिखाएगा 2 वोल्ट और यहां पे 1 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमें समझना है थोड़ा सा, एक बताएंगे हम पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल वाला एक टर्म जो हम शुरू में एक्सप्लेन किए थे सबसे पहला वाला वीडियो में, उसको यहां पर हम बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मानते हैं कि ये 6 वोल्ट का बैटरी है, तो इस तरफ हमारा 6 वोल्ट और इस तरफ हम 0 वोल्ट, तभी तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 6 होगा। अगर हम इसको 6 वोल्ट लेते हैं, उसके अलावा कुछ और, 0 के अलावा कुछ और होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 वोल्ट हुआ, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना का 4 वोल्ट का हो गया, है ना, यानी कि अपर पोटेंशियल पे है, यानी कि हायर पोटेंशियल पे है, तो कितने 6 वोल्ट पे है, और लोअर पोटेंशियल 0 वोल्ट पे। तो जब तक कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं आता है तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है, हम यहाँ करंट को मिटा रहे हैं, करंट एक्चुअली उतना ही है, ठीक है, जब तक बीच में रेजिस्टेंस नहीं आता है तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, यानी कि ये 6 वोल्ट है ना, तो यहाँ तक 6 वोल्ट रहेगा इस जगह तक, ठीक है, इस जगह तक क्या रहेगा हमारा 6 वोल्ट रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस क्या करता है, पोटेंशियल को ड्रॉप करता है, तो कितने पोटेंशियल को ड्रॉप किया 3, ठीक है, यानी कि इनके बीच में, यानी कि इस और इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 3 वोल्ट का है, तो यानी कि अगर यहां 6 वोल्ट पे पोटेंशियल है तो यहां पर कितना होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यहां 3 वोल्ट होना चाहिए, हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का यूनिट सेम होता है, वोल्ट ही होता है, ठीक है। तो ये जो बता रहा है ना, यहां के पोटेंशियल और यहां के पोटेंशियल में अंतर बता रहा है, ठीक है, तो अगर यहां 6 है और पोटेंशियल डिफरेंस 3 का है और हम कम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इधर की तरफ जाएंगे तो इधर हम 0 पाने वाले हैं, तो यहां से 6 से कितना इधर होगा पोटेंशियल, कि दोनों के बीच का जो अंतर है 3 वोल्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर 3 होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 3 का। अब यहां 3 वोल्ट है और यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितने का कर रहा है 2 वोल्ट का कर रहा है, तो 3 से 2 घट के यहां पर पोटेंशियल कितने का हो गया 1 वोल्ट का,
ठीक है। तो अब देखिए 1 वोल्ट हुआ और इधर हो गया 3 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितने पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट का 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहां देते यहां 1 वोल्ट है ना और यहां पर, और हम क्या बोले थे, जब तक बीच में रेजिस्टेंस नहीं आता है थ्रू आउट द वायर जो होगा ना पोटेंशियल सेम रहेगा जहां से वो कनेक्टेड है, यानी कि यहां से ये कनेक्टेड था और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं 6 वोल्ट, उसी तरीके से यहां से कनेक्टेड है ना ये और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं तो हर जगह 0 0 0 0 वोल्ट रहे, तो यहां भी 0 वोल्ट होगा। तो अब बताइए यहां पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो रहा है, 1 वोल्ट का हो रहा है, समझ रहे हैं ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो रहा है, यानी कि अगर यहां 1 है और यहां भी अगर 1 हो जाए तो दोनों के बीच में अंतर तो 0 हो जाएगा ना, यहां और यहां के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, तो फिर फ्लो ही नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहा ही नहीं, ठीक है। तो अगर यहां 1 है तो यहां 0 होगा, तभी तो दोनों के बीच में अंतर जो होगा 1 वोल्ट का होगा, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट दिखा, हमारी बात। तो इससे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे जैसे रेजिस्टेंस को पार करेगा करंट वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी कि यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस को पास किया तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप होकर कितना पहुंचा 3 वोल्ट, दूसरे रेजिस्टेंस को पास किया 1 वोल्ट, एक और को पास किया तो एक वोल्ट और ड्रॉप करेगा, तो यहां पर पोटेंशियल हो जाएगा 0। क्लियर, ये चीज हमको इसलिए समझना बहुत जरूरी था क्योंकि इसी से हमको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर समझ में आएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं, इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंदी हो गया है। ईएमएफ और पोटेंशियल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग अगले वीडियो में शूट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।